सामान्य तौर पर लोग गेहूं के बने आटे का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि मोटा अनाज के तौर पर मरुआ के रोटी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि मरुआ के आटा से बने रोटी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए मरुआ का जो आटा है वो काफ़ी लाभदायक होता है। बाकी चीज़ों के लिए भी अगर देखा जाए तो सामान यानी कि गेहूं के आटे से मरुआ का जो आटा है वो ज़्यादा लाभदायक है। आपको बता दें कि सिवान के रहने वाले, भगवानपुर प्रखंड के रहने वाले वीरेंद्र कुमार सिंह हैं, जिन्होंने इस बार 10 एकड़ में मरुआ के खेती की है। अभी खेती कैसे की जाती है, क्या इसका दाम होता है, तमाम जानकारी जो है वो देने के लिए वीरेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम भगवानपुर प्रखंड के, सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के हैं। जैसे कि मरुआ आटा काफी मांग आजकल बढ़ा है, कितने एकड़ में इसको उपजा रहे हैं और क्या कुछ होता है? अभी इस बार 10 से 11 एकड़ में मरुआ की खेती हो रही है, पिछले बार 5 एकड़ में हुआ है ना। सबकी मतलब खेती बढ़ती जा रही है, ये प्योर ऑर्गेनिक हो रहा है, ये तो मोटा अनाज है ही, काफ़ी अच्छी मैंने पौष्टिक और इस शरीर के लिए बहुत ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑर्गेनिक उपजाया जा रहा है, केवल मतलब गाय के गोबर पर ही इसको उपजाया जा रहा है और हमारे किसान अधिकांश गाय पाले हुए हैं, उससे ही अपना गोबर से ही खाद खेत में डाल के ही करते हैं, रासायनिक प्रयोग नहीं करते हैं, और उसके मूत और गोबर को मिलाकर जीवामित्र वगैरह ऐसे ऐसे बहुत तरह के है ना खाद अपना बनाते हैं, वही यूज करते हैं, रासायनिक कीटनाशक ये सब यूज नहीं होता इसमें। कैसा मांग रहता है मरुआ के आटा का? मरुआ का आटा में तो जो जान रहे हैं या जो न्यूज वगैरह डॉक्टर वगैरह के सलाह पर जान रहे हैं वो तो काफ़ी डिमांड रखते हैं, लेकिन जो नए इस समय के जो बच्चे हैं वो मड़ुआ और एथी क्या डिफरेंस जान रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी डिमांड है, लेकिन डिमांड देखा देखे डिमांड बहुत बढ़ रहा है। कहाँ कहाँ से डिमांड आता है आप? हम लोग तो अभी पुराने नहीं सकते हैं अपने 2-3 जिले में, ठीक है, और दूसरी बात कि हमारे यहाँ के लोग भी बाहर जो रह रहे हैं, बम्बे कर्नाटका वगैरह, टाटा रांची, ये सब लोग रह रहे हैं, जो खाए हैं, जो जानते हैं, वहाँ से भी डिमांड करते हैं, ऑनलाइन भेजा जाता है। कि मरुआ का आटा किस किन चीज़ों में इसका प्रयोग होता है? जैसे कि एक नॉर्मल आटा होता है जिसमें रोटी बनाया जाता है या बाकी चीज़, इसका प्रयोग किस में? देखिए इसका प्रयोग तो मरुआ का ही, वही नॉर्मल आटा के ही तरह होता है खाने में ना। अब रही बात कि इसकी विशेषता, इसका विशेषता है कि ये बहुत ताकतवर होता है उसके बनिस्पत ना। ऐसे महिलाएं जब ये महिलाओं को जो बच्चा उच्चा होता है उस समय विशेषकर इस रोटी को दिया जाता है ताकि उन लोगों को ताकत फिर जी जो रोटी होती है इस, ये भी सामान्य दिनों की रोटी की तरह लोग खा सकते हैं? हाँ हाँ, पहले तो यही ना खाते थे लोग। अच्छा। और पुष्ट रहते थे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, लंबाई, ये गलत फैटी नहीं, ये सब होता था, यही अन खा के ना। आज जो गेहूँ, आज जो सरप्लस है, पहले मड़ुए की तरह गेहूँ था, गेहूँ मिलता नहीं था, यही सब मड़ुए, कोदो, सांवा वगैरह यही सब लोग मोटा अन पहले खाते थे ना, लेकिन इसकी खेती बंद हो गई, इसको लोग यो लुप्त होते गया, नतीजा हुआ कि अभाव में यही हो गया, मतलब है गेहूँ सरप्लस है, चारों तरफ गेहूँ खेती हो रही है, जो खेती होगी वही ना होगा। आपके यहाँ सिवान में मरुआ के कितने एकड़ में खेती हो रही है, कितने किसान इससे जुड़े हुए हैं? हम लोग के बीच जो किसान जुड़े हुए हैं, इस बार हम 10 से 11 एकड़ में मरुआ के केवल, वैसे ही अलग अलग कोदो सामा वगैरह का खेती हो रही है। कितना दाम होता है मरुआ का आटा का? अभी मरुआ का आटा तो 110 रुपये के जी मैंने हम लोग बेच रहे हैं, कंप्लीट करके फिनिश करके 110 रुपये के जी। बाजार में कैसे मिलता है? बाजार में तो सरप्लस है ही नहीं, अभी सब तरह जैसे उपलब्ध नहीं है। ये बिहार में कहाँ कहाँ ये उपजता है? हम लोग भी अगर खेती नहीं करें तो हम लोग यहाँ कहाँ से उपलब्ध रहेगा? खेती कैसे होती है, अगर कोई बीज लगाना चाहे तो कैसे पूरा? उसका बीज है मड़ुआ का, जो बीज मतलब धान के बीज जैसे गिराया जाता है वैसा गिराया जाता है,
और उसके बाद से फिर धान की रोपनी जैसे होती है वैसे उसकी भी रोपनी होती है। पटना से न्यूज 18 के लिए सचिदानंद की रिपोर्ट।